मैं हूँ अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट। हमारे साथ मौजूद है जौनपुर के एक बहुत बड़े समाज सेवी दिलीप जी। जो दिलीप जी हमेशा सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज हॉस्पिटल में आए हैं, एक पत्रकार के ऊपर गोली चली है, इस पर आपकी क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चौथा स्तंभ एक समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज जिस तरह निंदनीय घटना हुई जौनपुर में, यह शर्म की बात है। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रशासन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्योंकि अगर चौथे स्तंभ पर इस तरह गोली चलेगी, निष्पक्ष पत्रकारिता कहाँ होगी? जहाँ पर इस तरह भ्रष्टाचारी और आपराधिक खुलेआम घूम रहे हैं। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी ये बातें बोली मैं, क्योंकि देवेंद्र जी को मैं अंदर देख रहा था। मजिस्ट्रेट साहब से भी मैंने सबके सामने इस बातों को बोला कि सर, अगर पत्रकार के ऊपर गोलीबारी हो रही है, सच्चाई की लड़ाई जो चौथा स्तंभ, क्योंकि एक व्यवस्था में चौथा स्तंभ बहुत बड़ा रोल देता है, सच को दिखाना, सच को आईना। कुर्सी के चार स्तंभ होते हैं और चौथा स्तंभ पत्रकार होता है, और पत्रकारों के ऊपर ही लगातार हमले हो रहे हैं। उसमें पत्रकारों का परिवार है, तमाम लोग हैं, तो उसमें सहम जाते हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ पाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको इस तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ, दिलीप तिवारी और मिशन जिंदगी, पूरी हमारी इंडिया की टीम आप चौथे स्तंभ के साथ, क्योंकि आपने ही दिलीप तिवारी को दिलीप तिवारी बनाया, वो चीज़ मैं नहीं भूलूंगा। सर्वप्रथम एक चीज़ मैं खुले मंच से बोलता हूँ कि अगर पत्रकार अगर अपने को असुरक्षित समझ रहा है, तो उनको यह भावना पैदा होने ही नहीं दिया जाएगा, और उनको खुले रूप से जितनी समर्थन है, और मैंने अभी अपनी पोस्ट में भी बोला है, अगर 24 घंटे के अंदर देवेंद्र जी के साथ या चौथे स्तंभ पे जो कार्रवाई हुई है, अगर इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई, तो जनपद जौनपुर एक बड़े आक्रोश के लिए, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए उतरेगी। क्योंकि चौथा स्तंभ, आप एक ये समझिए, शर्म की बात है, चौथे स्तंभ के ऊपर गोली चला देना, चौथे स्तंभ के ऊपर इस तरह कर देना, ये बड़ी बहुत ही शर्म की बात है, एक निंदनीय है। अगर इस तरह का कार्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कि समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को, समाज के सभी लोगों को, आप ये सोचिए कि अगर सच की लड़ाई कोई लड़ रहा है और उसके ऊपर गोली चला दी, तो सच की लड़ाई लड़ेगा कौन? चौथा स्तंभ जो एक समाज के निर्माण में अपना योगदान देता है, इसमें हम आप सबको मिलकर चौथे स्तंभ को बचाने के लिए, और इस तरह को उनके परिवार और उनके लोगों के लिए खुलेआम, और मैं खुला आपको बताता हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, मिशन जिंदगी फाउंडेशन, दिलीप तिवारी की पूरी टीम आप सबके साथ खड़ी है, और एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे तिवारी जी का कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसमें जिसको झेलने के लिए सशस्त्र तैयार रहे। अमित गुप्ता, जौनपुर अपडेट।